बागेश्वर तो स्वयं में सच है। बागेश्वर का मतलब समझते हो? भोले बाबा शेर के रूप में आए बागेश्वर बन के, वही तो माँ दुर्गा का सवारी बने बागेश्वर शंभु। तैलंग स्वामी, नाना प्रकार के नाम है, देवरवा बाबा, ये ऐसे ऐसे संत रहे हैं कि मतलब अंग्रेज तक घबरा गए। आप चौक, अरे माफ कीजिएगा, आप कोतवाली क्षेत्र में जाइए, अंग्रेज अफसर, क्या नाम था उसका, नाम अभी दिमाग से उतरा मेरे, उसने तैलंग स्वामी जी को कोतवाली थाना है मैदागिन की तरफ वहाँ ला करके बंद कर दिया। और किसी सिपाही ने कहा कि अरे बाबा जी तो मठ में हैं, वो कहा कि अरे ये अंदर है, कह जाके देखिए। जब वो अंग्रेज अफसर वहाँ जाता है तो देखता है कि बाबा जी तो पंचगंगा घाट पे बैठे हैं, फिर वापस आया, फिर घोड़े से चल के आया। ये कहानी नहीं है, उस अंग्रेज अफसर ने लिखा और वो बोर्ड वहाँ लगा है कोतवाली में आज तक। अंग्रेज अफसर जो भारत पे राज करने आया था वो भी यहाँ की संस्कृति को माना कि नहीं। अब आज भी आप देखिए ना कि अमेरिका के सीनेट में जो है मंगल पाठ हो रहा है, सब जूता मोजा उतार के खड़े हैं। तो ये है सनातन धर्म जिसका अनुसरण आज दुनिया कर रही है और मान रही है कि नहीं इसमें दम है। दुनिया के लोग गायत्री मंत्र पर रिसर्च कर रहे हैं, शिव मंत्र पर रिसर्च कर रहे हैं, तो क्या ये बखेड़ा है? ये पाखंड है? पाखंड नहीं है महाराज, ये सत्यता है। आज कार्बन डेटिंग की मांग कोर्ट में क्यों उठती है? उस पत्थर में जीव है कि नहीं, लास्ट में रिपोर्ट यही आती है। मैं गलत कहूँ तो कहिएगा। तो आखिर पत्थर में जीव तत्व तो आता है ना, वो यहाँ से आता है। आज इनको जो लोग पाखंड बता रहे हैं वो हो सकता है कल के दिन कह दें कि मंदिर में भी जो पत्थर पे आदमी जा रहा है माथा टेकने वो पाखंड है, क्योंकि पत्थर बोल तो रहा नहीं है। लेकिन यहाँ बाबा तो सबके सामने दिखाई दे रहे हैं। कल हमने देखा, कल हम रात को देख रहे थे 12 बजे, कि सारे मीडिया के चैनल, नेशनल चैनल बाबा के धाम में लगे थे और कहीं से कोई किंतु परंतु दिखाई नहीं दे रहा था पाखंड वाला। अगर पाखंड है तो बाबा तो खुलेआम चैलेंज किए हैं कि साबित करें। वो तो सबके सामने, लाखों लोगों के सामने खड़े हैं, तमाम कैमरे और ये वो घंटे घंटे लगे हैं। और रहीम जी ने एक दोहा कहा है कि जो रहीम उत्तम प्रवृत्ति का करी सकत कुसंग, चंदन विश्वव्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। इसका अर्थ ये है कि जो व्यक्ति उत्तम विचारधारा का है, उसके अगल बगल आस पास भी अगर दुर्गुण आदमी आ जाए तो उस दुर्गुण के आने से भी उसके उस गुण पे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार जैसे चंदन का वृक्ष होता है और सर्प उसकी सुगंध को, सुगंध से बड़ा प्यार करता है और लिपटा रहता है, लेकिन वर्षों सर्प के लिपटने के बावजूद चंदन अपनी गरिमा को नहीं खोता, न अपनी सुगंध को खोता है और न ही सर्प का जरा सा भी विष चंदन के ऊपर असर करता है। तो बाबा जी एकदम एक नंबर पे हैं, बाबा जी को कहीं कोई किंतु परंतु नहीं। हमारे यहाँ वामन अवतार का जिक्र है, हमारे यहाँ ऋषि मुनि पुराणों में साफ साफ दर्ज है कि सशरीर जो है ग्रहों पे या स्वर्ग आया जाया करते थे। हमारे यहाँ परगाया कमन का भी उल्लेख है कि अपनी काया को, वो अपनी आत्मा को दूसरे के शरीर में डाल करके आगे बढ़ते थे, ऐसा वेदों पुराणों में साफ साफ उल्लेख है। हमारे यहाँ हनुमान चालीसा में अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता एक लाइन है, अष्ट सिद्धि हनुमान जी को प्राप्त है, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता। ठीक है, तो इनको जो लोग पाखंड बता रहे हैं वो स्वयं में पाखंडी है, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। क्योंकि ये धर्म प्रधान देश है और यहाँ पे आप देखेंगे कि पेड़ पौधे की पूजा, नदी तालाब की पूजा, जानवर की पूजा और पत्थर की पूजा इस देश में ही अनिवार्य है, तो क्या इसको भी पाखंड कहेंगे? और समय समय पे हमारे यहाँ वर्णन है इतिहास में, भक्त प्रहलाद को खम्भे पे यकीन था कि भगवान विष्णु निकलेंगे और भगवान विष्णु निकले, गलत कहूँ जो कहिएगा। तो ये कहीं से कोई गलत नहीं है, एकदम बाबा जी अपने जगह एकदम सही हैं, उनको सिद्धि प्राप्त है। हमारे यहाँ हजारों स्वामी, तैलंग स्वामी, देवरहवा बाबा, जिनकी शिष्य खुद स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी रहीं, हाथ के पंजे का निशान ये देवरहवा बाबा का दिया हुआ है, जिसके दम पे वो 400 सीट पाई थी उस जमाने में। साधु संन्यासियों का सम्मान इस देश में राजे महाराजे से लेके वर्तमान में नेता तक करते हैं और ये देश ही है साधु संन्यासियों का और उनके चमत्कारों से भरा है। तो इसमें अभी आप दूधविनायक क्षेत्र में चले जाइए, तैलंग स्वामी, इसी शहर में अभी यही मीरघाट पे कर्पात्री स्वामी, रविंद्रपुरी में क्या नाम है वो तांत्रिक हैं, वो हमारा, हम अभी भूल गए, उनका स्थान अपने आप में अभूतपूर्व है।
तो ये देश ही संतों का है, साधुओं का है और एक से एक चमत्कार से भरा है, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु जी। अभी वो बता रहे हैं कि हमारी ये तीसरी पीढ़ी है, उससे पहले दो पीढ़ियां उनकी और रह चुकी हैं, उनके दादा गुरु वगैरह। बता रहे हैं कि हम शुरू से ही ये दरबार लगाने का काम करते थे, लेकिन अब सोशल मीडिया पे बाबा बागेश्वर धाम जो आने से प्रसिद्ध हो गए, इस वजह से कुछ लोग उंगलियाँ उठा रहे हैं कि वो पाखंड कर रहे हैं। यहाँ पर बनारस में भी उनका कार्यक्रम लग चुका है, आपने जाके करीब से इस चीज़ को देखा कि वास्तव में? प्रयास तो किया लेकिन अवसर नहीं मिल पाया। बनारस में आए थे वो, जरूर से आए थे, इसमें दो राय नहीं। वो हमको लगता है कि शायद हफ्ते या दस दिन का कार्यक्रम उनका यहाँ हुआ था, लेकिन मैं जा नहीं पाया वहाँ पे। ये शायद मेरा दुर्भाग्य रहा कि मैं जा नहीं पाया। हमारे यहाँ महाभारत काल में अभिमन्यु का उदाहरण मिलता है, जो अपनी माँ के गर्भ में ही चक्रव्यूह के भेदन की सारी प्रक्रियाओं को जान चुका था। बस निकलने के समय उसकी माता को नींद लग गई और वो सुन नहीं सका, समझ रहे हैं ना। तो ये देश ही इन तमाम प्रकार की सिद्धियों शक्तियों से भरा पड़ा है। आप दुनिया का इतिहास उठा के देख लीजिए, अमेरिका, लंदन, जापान या जितने भी देश हैं, कहीं पे भी कोई चमत्कार का आपको नहीं दिखेगा। लेकिन ये अकेला भारत देश है कि जहाँ समय समय पे राम हो, समय समय पे कृष्ण हो, बुद्ध हो, ये तमाम लोग शरीर के साथ जन्म लिए और दुनिया ने उनके पराक्रम को कहिए, कर्तव्य को कहिए या सत्य को कहिए, देखा, और देखा ही नहीं उसको भोगा। तो उनको पाखंड जो बता रहा है वो स्वयं में पाखंडी है, सीधी सी बात। तो आपको क्या लग रहा है कि वो पाखंडी, मतलब क्यों पाखंडी है? आपको क्या क्या कुछ मतलब कुछ उदाहरण से आप समझा सकते हैं वो क्या पाखंडी है? नहीं कोई पाखंड नहीं। जो अंध, जो श्रद्धा उन्मूलन कमेटी है जो अंधविश्वास से पर्दा उठाने का कार्य करती है, तो वो क्या पाखंड है उसमें आप बताएं भाई? देखिए ऐसा है कि अभी हम बहुत से लोग को टीवी में सुन रहे थे कि सोशल मीडिया के जरिए अपना प्रचार कर रहे हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि हमने अपने अब तक के जीवन काल में लालटेन भी देखा, डिबरी भी देखा, लकड़ी का चूल्हा भी देखा, गूला वाला चूल्हा भी देखा, आज गैस सिलेंडर भी देख रहे हैं। तो जब दूरदर्शन आया तो उस तरीके से उसका प्रचार हुआ। आज सोशल मीडिया है, एक सशक्त माध्यम है। अगर सोशल मीडिया पे कोई अपनी बात रख रहा है और बात में दम है और बात में सत्यता है, तो इसमें बुराई क्या है? एक इलेक्ट्रिक चीज़ हमारे बीच में समाज में आई है जिसका हम लोग लाभ ले रहे हैं, तो इसमें बुराई क्या है? जी सर, अभी हमारे साथ एक बाबा जुड़े हुए हैं। जी बाबा, जो बाबा बागेश्वर धाम पर लोग बार धर्म काशी में मैं सन्यास लिया है बाबा। हेलो, धर्म काशी में सन्यास लिया है, दीक्षा लिया है काशी में, और काशी की निवास आबाद रहेगा तो बाबा भी जुड़े हैं। हर हर महादेव, इधर आओ जी, एक बार मेरा सुनो जी। महाकाल बाबा, काशी का फेमस बाबा, दिस इज महाकाल बाबा। क्या सवाल बोलो? सवाल ये है जो अभी सवाल बोलो, सवाल पूछो। जो अभी बागेश्वर धाम पे लगातार लोग टिप्पणियां कर रहे हैं कि ये अंधविश्वास फैला रहे हैं, ढोंग कर रहे हैं, आपका इसके बारे में क्या कहना है? ऐसा है ना, सुनिए, 10 आदमी 10 दिमाग, जैसी जैसी सोच वैसा वैसा दिमाग, उसमें कुछ दुनिया आदमी लगा रहा है अपना दिमाग, बाकी जो सच्चाई होती है छुपती तो नहीं है। आपको क्या लगता है कि बागेश्वर बाबा जो हैं वो बिल्कुल सच्चे हैं? बागेश्वर तो स्वयं में सच है। बागेश्वर का मतलब समझते हो? बोले बाबा शेर के रूप में आए बागेश्वर बन के, वही तो माँ दुर्गा का सवारी बने बागेश्वर शंभु। तो आपको लगता है कि उनको वास्तव में कुछ सिद्धियां प्राप्त हैं? ऐसा आता है ना, जिसको सिद्धि प्राप्त नहीं होती है ना तो दूर चला जाता है, जिसको सिद्धि प्राप्त होती है वो लड़ जाता है। तब क्या तभी वो चैलेंज दे पा रहे हैं जब उनके पास कुछ है। अरे जिसके पास कुछ नहीं रहेगा वो चैलेंज क्या देगा? जीरो बैलेंस क्या देगा? जिसके पास बैलेंस होगा वही ना देगा। व्हाट इज व्हाट एंड वेयर इज व्हाट, स्पीक माय साइलेंस इज गॉड, जैसे को तैसा भवानी को भैंसा। तो जो उनके खिलाफ मतलब बोल रहे हैं और उनको ढोंगी बोल रहे हैं, तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं किधर करो, सबके खिलाफ सब बोलता है, तुम्हारे खिलाफ हम बोलेंगे, हमारे खिलाफ वो बोलेंगे, उनके खिलाफ सब बोलेगा, लेकिन सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से।
बाबा बागेश्वर की जय हो। 94 कलाओं का जिक्र है, ठीक है। अपने यहाँ अघोर पंथ तांत्रिक प्रक्रिया, अघोर पंथ तांत्रिक प्रक्रिया, सूक्ष्म प्रक्रिया, समझ रहे हैं। ये तमाम ऐसी विधाएं रही हैं पूर्व में जो अपने आचरण से ऋषि मुनि हो, अघोर पंथ के लोग हों, उसको सिद्ध किया करते थे। और काशी में ऐसे ऐसे स्थान हैं जहाँ ऋषि मुनियों ने अपने आप को स्थापित किया, और स्थापित ही नहीं किया, सिद्ध किया। ये विद्या सिर्फ और सिर्फ भारत में रही है और आज भी है, ऐसा नहीं कि नहीं है, कम जरूर हो गई है, कम जरूर हो गई है। हमारे यहाँ महाभारत ग्रंथ उठा के देखिए, हमारे यहाँ रामायण ग्रंथ उठा के देखिए, पर काया गमन से लेकर के अपनी काया को हवा में ले जाना या छोटा से छोटा करना, हनुमान चालीसा में आता है, सूक्ष्म रूप धरी से ही दिखावा और विकट रूप धरी लंक जरावा। छोटा सा रूप बना के उन्होंने माता सीता को अपना दर्शन दिया एक दूत के रूप में, और विकट रूप एक भारी भरकम रूप बना करके पूरी लंका को तहस नहस किया। भीम रूप धरी असुर संहारे, ये भी जिक्र उसमें आता है। तो ये कपोल कल्पित बातें नहीं है, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, आठों सिद्धियां स्वयं हनुमान जी के पास रही हैं। और छह लोग हनुमान जी, अश्वत्थामा, विभीषण, और मैं दो तीन नाम दिमाग से भी उतर गया, इन छह लोगों को पृथ्वी जब तक रहेगी तब तक ये अजर अमर रहेंगे, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। इसी काशी की धरती पे आठ हनुमान जी के विग्रह गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा स्थापित किए गए हैं, उनमें संकट मोचन का भी नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है। काशी के आठ स्थानों पे गोस्वामी तुलसीदास जी ने आठ मूर्तियों को प्रतिस्थापित किया है। तो ये जो पाखंड बोल रहे हैं या जो पटांग बोल रहे हैं, ये खाली सनातन धर्मों को बार बार टारगेट करके बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। ये सिर्फ अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए कि नहीं जो है हम ही हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और सनातन धर्म में ये सारी प्रक्रिया, सारी क्रिया, सारी चीज़ों का जिक्र वेदों पुराणों में हजारों साल पहले लिख दिया गया है। ये आपका मानना है कि ये सनातन धर्म की हमारी खूबी रही है कि जो ये हमारा मानना नहीं है, ये अखंड सत्य है। ये ऋषि मुनि इसको बाकायदा लिख पढ़ के तब गए हैं, हम तो सिर्फ उनका अनुसरण कर रहे हैं। हमारे मानने या न मानने से, अभी देखिए नीचे माँ गंगा बह रही हैं, अब हम न माने वो पानी बह रहा है नाले का, तो वो हमारा मन है ना, लेकिन वो माँ गंगा है, वो माँ गंगा है, वो बह रही हैं अनादि काल से, तो बह रही हैं तो बह रही हैं। और तमाम लोग उनका जो है रसा स्वादन कर रहे हैं, उनके सुख का अभिभूत कर रहे हैं, कि तमाम लोग जितने लोग आ रहे हैं कहाँ कहाँ से, हजारों साल से आ रहे हैं बनारस में, ऐसा बात नहीं। तो खाली विश्वनाथ और जो पत्थर के विश्वनाथ जी हैं, कल के दिन ये लोग कह देंगे कि ये लोग जबरदस्ती खाली पत्थर की पूजा कर रहे हैं, कल के लोग ये भी कह देंगे कि झूठ मूठ का पानी बह रहा है और कह रहे हैं गंगा है। तो ये जानबूझ के सनातन धर्म पे कुठाराघात हो रहा है, जो कि 50 वर्षों से किया जा रहा है, इसमें कोई नई बात नहीं है, ये कोई आज नहीं है। हम कह रहे हैं कि कल मैंने पहली बार टीवी पे देखा, आम तौर पे बुरा बिल्कुल मत मानिएगा, बड़े से बड़े लोग पत्रकारों से घबराते हैं, लेकिन मैं कल देख रहा था रात को 12 बजे कि जितने भी नेशनल और इंटरनेशनल पत्रकार उस दरबार में खड़े थे वो घबरा रहे थे बाबा से। ये मैं अकेला नहीं देखने वाला था, जितने लोग टीवी देख रहे हैं वो देख रहे थे। और अंत में कई पत्रकारों ने बोला कि मैं यहाँ खड़ा होकर बाबा की जय बोल रहा हूँ। सत्य को आज की सत्य जो है वो सत्य है, उसको कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। और ये कुछ क्षणिक हैं जो है जयचंद टाइप के लोग जो खाली बदनाम करना, क्योंकि इनको कुछ काम नहीं है, इनको बस एक ही काम है, ये काम न करेंगे और न किसी को करने देंगे, काम बिगाड़ेंगे। कुछ लोग होते हैं ना, एक आदमी मेहनत कर रहा है, दूसरा उसकी टांग खींच रहा है, तीसरा टांग खींचने वाले लोग हैं। आपको लगता है कि किसी से जो है अच्छाइयाँ देखी नहीं जाती हैं और कुछ उसका विरोध? देश, हमारा देश, आप समझिए तो विवेकानंद जी, करपात्री जी, मतलब तमाम, हम अभी कुछ नाम बहुत सा भूल गए हैं, ऐसे तैलंग स्वामी, नाना प्रकार के नाम है, देवरवा बाबा, ये ऐसे ऐसे संत रहे हैं कि मतलब अंग्रेज तक घबरा गए। आप चौक, अरे माफ कीजिएगा, आप कोतवाली क्षेत्र में जाइए, अंग्रेज अफसर, क्या नाम था उसका, नाम अभी दिमाग से उतरा मेरे, उसने तैलंग स्वामी जी को कोतवाली थाना है मैदागिन की तरफ वहाँ ला करके बंद कर दिया। और किसी सिपाही ने कहा कि अरे बाबा जी तो मठ में हैं, वो कहा कि अरे ये अंदर है, कह जाके देखिए। जब वो अंग्रेज अफसर वहाँ जाता है तो देखता है कि बाबा जी तो पंचगंगा घाट पे बैठे हैं, फिर वापस आया, फिर घोड़े से चल के आया। ये कहानी नहीं है, उस अंग्रेज अफसर ने लिखा, और वो बोर्ड वहाँ लगा है कोतवाली में आज तक। अंग्रेज अफसर जो भारत पे राज करने आया था, वो भी यहाँ की संस्कृति को माना,
कि नहीं। अब आज भी आप देखिए ना कि अमेरिका के सीनेट में जो है मंगल पाठ हो रहा है, सब जूता मोजा उतार के खड़े हैं। तो ये है सनातन धर्म जिसका अनुसरण आज दुनिया कर रही है और मान रही है कि नहीं इसमें दम है। दुनिया के लोग गायत्री मंत्र पर रिसर्च कर रहे हैं, शिव मंत्र पर रिसर्च कर रहे हैं, तो क्या ये बखेड़ा है? ये पाखंड है? पाखंड नहीं है महाराज, ये सत्यता है। आज कार्बन डेटिंग की मांग कोर्ट में क्यों उठती है? उस पत्थर में जीव है कि नहीं, लास्ट में रिपोर्ट यही आती है। मैं गलत कहूँ तो कहिएगा। तो आखिर पत्थर में जीव तत्व आता है ना, वो यहाँ से आता है। भाव है, प्रलयंकारी का एक नाम है भोलेनाथ। तो जो यहाँ का भोला है ना, उसके वो नाथ हैं।